देखी देखी मेरी हिंदुस्तानी मेलोड्रामेटिक एक्टिंग। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा। इस वक्त तो मुकेश जी भी यहाँ होते तो खुश हो जाते। हरिओम, जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा तू आहुति ले रहा था या हाथ सेक रहा था? जा अंदर जा और दवाई लगा के आ। जा कर देखा भाई। हरिओम बाबूजी। हरिओम बेटा। घोटा गोमुख तुम लोग भी आ जाओ बेटा, आरती ले लो। हरिओम हरिओम। मयूरी को लगता है कि मयूरी ने इन दोनों को कहीं देखा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खोए वक्त के साथ अगर चलना है तो कभी कभी ट्रैक बदलना भी पड़ता है। यो फ्रेंच लुक में हरिओम बाबूजी। यो डॉट डॉट यो डॉट डॉट। जीते रहो जीते रहो जीते रहो, पर कम से कम पतलून तो पूरी पहन लेते बेटा। आजकल डेंगू का इतना जोर चल रहा है पता भी है? बाबूजी यू नो वीकेंड चल रहा है बाबूजी। डॉट 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 डॉट। मच्छर भी हमारी तरह फोन मस्ती करने के लिए घूमने गए होंगे। डॉट 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 डॉट। सो टेल मी कैसे लग रहे हैं हम? यो नॉट बैड। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू। बस थैंक यू एक्सप्रेस को ब्रेक लगाइए। नॉट बैड कहा, गुड नहीं कहा? इन कपड़ों में आदमी बहुत हल्का महसूस करता है। डॉट 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 डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन हल्के कपड़े कहीं खुद पे ही भारी ना पड़ जाएं। वो कैसे बाबूजी? वो ऐसे कि वो देखो सामने पप्पी भाई साहब आ रहे हैं। पप्पी भाई साहब? अरे वाह पप्पी भाई साहब। धोती कुर्ते में पाए लागू बाबू जी। जीते रहो बाबू जी। अब रोज तो मंदिर जा नहीं पाता, तो शनिवार और इतवार को मंदिर जरूर जाता हूँ। ये प्रसाद लाया था, रखा के बताइए तो सही कैसा है? बेटा मंदिर का प्रसाद है ये तो टेस्टी ही होगा। शक्कर थोड़ी कम है बेटा। बाबू जी अब हर हलवाई हमारे तरह टैलेंटेड थोड़ी होता है। हेलो पप्पी भाई साहब। हेलो हाउ डू यू डू। क्या कमाल लग रहे हैं आप लोग, माइंड ब्लोइंग। ये कपड़े भाड़े के हैं या अपने? भाड़े के नहीं है, भाड़े के नहीं है। नहीं हाय सो व्हाट्स अप। हेलो हेलो। हाँ पपी भाई साहब आप ये क्या पहन के आई हो? लुकिंग वेरी डिफरेंट। क्या सो मैं कपड़े जो है ना वो फैशन के हिसाब से नहीं सीजन के हिसाब से पहनता हूँ। क्या है कि इस मौसम में धोती कुर्ता एक आइडल ड्रेस है, ये धूप को रोकता है लेकिन हवा को नहीं। कैसा लगा मेरा लॉजिक? आपकी बातों में
लॉजिक भी होता है और मैजिक भी। ये ड्रेस आपको कूल भी रखती है और आप इसमें कूल भी लगते हो। वेरी कूल पापी भाई साहब, वेरी कूल। थैंक यू वेरी मच। देखा बेटा देखा, एक पप्पी भाई साहब हैं जो हर शनिवार इतवार को मंदिर जाते हैं और एक तुम हो। जरा सा वीकेंड आया तो चल दिए मौज मस्ती करने। बेटा जाओ अंदर जाओ, अपने ये कपड़े और अपनी सोच दोनों को जरा बदल के आओ। पप्पी भाई साहब, ओह आप यहाँ हैं। हाय कैसे हो? यो ये क्या है किटी जी? हम लोग लग रहे हैं ना सी करप कूल क्यूट क्यूट या नाइस चेंज। सुनिए ना, मैंने आपको वो येलो कलर की साड़ी में ब्राउन कलर का फॉल लगाने को बोला था, क्या हुआ? किटी डार्लिंग, येलो कलर की साड़ी में येलो फॉल लगता है, ब्राउन नहीं। और मैं फॉल लगा रहा था तो वो सुई टूट गई, तो दूसरी सुई मेरे पास है, अगर मैं उसे फॉल लगाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं शाम को एक नई सुई लेके आऊंगा। और आते वक्त मैं तुम्हारा ब्लाउज भी ले आऊंगा, टेलर के पास जो दिया है येलो कलर का। आप भी ना बड़े सीएल हैं। यू मीन क्रूक लफंगे? कुछ भी मत बोलिए, आई मीन केयरिंग एंड लविंग। बाबूजी के पांव छू। बाबूजी हरिओम हरिओम हरिओम। क्या बात है गोटक बाबू, ये आगरा पसिंजर की तरह थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं शर्मा जी, हमारे घर के प्लेटफॉर्म पे फ्रांस से डेक्कन क्वीन आई हुई है, लेकिन बगल के स्टेशन से बिन बुलाए रोज एक मालगाड़ी आके उसके पास खड़ी हो जाती। तू उस मालगाड़ी को लाल झंडी दिखाकर आउटर पे क्यों नहीं खड़ी कर देते? अरे मैंने और गोमुख ने जब भी उन्हें लाल झंडी दिखाने की कोशिश की, हमारे घर वालों ने हमें ही घर के आउटर पर खड़ा कर दिया। समझ में नहीं आता इस पप्पी भाई साहब को चिड़ियाघर से कैसे दूर रखूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे विदाउट टिकट अगर मैं अपने जीजा को भी पकड़ दूं ना तो उसे भी नहीं छोड़ता बेटा चलते चलते। साहब साला समझ के छोड़ दीजिए, पैसे नहीं है मेरे पास। सब यही कहते हैं, पकड़े जाने के बाद सब यही कहते हैं। चल सूटकेस खोल जल्दी, सूटकेस खोल चलते चलते। पांडे जी ठीक तरह से चेक कीजिएगा, आजकल सूटकेस से बहुत कुछ निकलने लगा है। हाँ घोटक बाबू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चल खोल खोल खोल। ये क्या है बेटा? अरे बोलते क्यों नहीं? फ्रेंच वाइन साहब, फ्रेंच वाइन है। किसी ने गिफ्ट दी है, अगर आपको चाहिए तो ले लो, 5,000 रुपए की है साहब। ना तो मैं वाइन पीता हूँ और ना ही मैं घूस खाता हूँ। चुपचाप 500 रुपए पेनल्टी भरो, नहीं तो सीधे हवाला जाओगे चलते चलते। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। देखिए भाई साहब, आप बिना टिकट सफर कर रहे थे तो अब आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा। एक काम करते, आपकी वाइन की बोतल मैं आपसे खरीद लेता हूँ 500 रुपए में, और आप उससे अपना फाइन भर दीजिए, फाइन के बदले वाइन। ठीक है साहब, ये रही बोतल। तो ये रहे पैसे, ये लीजिए 500 रुपए। पांडे जी इनका चलान बनाइए और फाइन वसूल कीजिए। गोटक बाबू मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, कब से शुरू किया? अरे क्या कब से शुरू किया, अरे शर्मा जी ये मैंने अपने लिए नहीं, अपनी फ्रेंच मेहमान के लिए ली है। सू वाइन इज कमिंग। गुमुक गुमुक। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। गुम एक मिनट, क्या हुआ भैया? ये देख। अरे ये क्या है भैया? क्वेश्चन मार्क। फ्रेंच वाइन। क्या फ्रेंच वाइन? एक्सक्लेमेशन मार्क। नहीं डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। भैया ये चिड़ियाघर है, यहाँ तेल की बोतल या दवाई की बोतल ही अंदर जा सकती है। टॉट टॉट टॉट। ये नहीं, फुल स्टॉप। भैया बाबूजी को पता चला कि हम चिड़ियाघर में फ्रेंच वाइन लेकर आए हैं तो वो मार मार के हमारा फ्रेंच टोस्ट बना देंगे। टॉट 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 टॉट। अबे संस्कारों की बोतल के ढक्कन, तू है ना गोमू का गोमू ही रहेगा। अरे मुझे भी पता है कि शराब पीना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, अरे लेकिन ये तो एक गिफ्ट है जो हम हमारी डेक्कन क्वीन के लिए लेकर आए हैं, मतलब सू के लिए।
और तू देखना सू को ये फ्रेंच वाइन बहुत पसंद आएगी। और याद रहे हमें पप्पी भाई साहब से एक कदम आगे चलना है। आगे चलना है ना? हाँ भैया आगे चलना है। हाँ। तो, 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 लेकिन आपसे पीछे रहकर फुल स्टॉप। ये गिफ्ट सू को आप दोगे, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। फुल स्टॉप। ये तेरा अच्छा है, जहां भी थोड़ा सा भी खतरा दिखा मुझे आगे कर देता है। बहुत चालू है तू। कोई बात नहीं, मुझे एक बात का जवाब दे, पजामे का नाड़ा बांधना किसने सिखाया तुझे? आपने। जूतों की लेस बांधना किसने सिखाया? आपने। पतंग में कन्नी बांधना किसने सिखाया? आपने भैया। और तू हम दो भाइयों के बीच जो रिश्ते की डोर बंधी है उसे तोड़कर जाना चाहता है। ठीक है जा तू जा। नहीं नहीं तू तू जा, बात मत कर, जा तू। नहीं भैया। नहीं नहीं तू जा। सॉरी भैया। नहीं नहीं सॉरी नहीं, जा तू। नहीं भैया ये बॉटल सू को मैं गिफ्ट करूंगा। अब सही है चल। अबे पीछे छुपा के चल चल। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत। भैया एक बार फिर सोच लो। डॉट डॉट डॉट। अरे कोमो कहीं का, इंजन में बैठ के ट्रेन मैं चला रहा हूँ और तू पिछली बोगी में बैठ के डर रहा है। भैया मेरा मन कह रहा है कि। अबे तेरा बड़ा भाई भी कुछ कह रहा है। भाई बड़ा है कि मन? भाई। तो फिर चल। हाय सू। हेलो। हेलो। कोई फ्रेंच गाना गा रही थी ना? ये फ्रेंच गाना नहीं है, मुकेश जी का गाना है। मुकेश जी का गाना? थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा है ना। लेकिन सू तुम्हें ये गाना कैसे आता है? मैं इंडिया वैसे तो घूमने आई हूँ, लेकिन लगता है यहाँ से बहुत कुछ सीख जाऊंगी और शायद सिखा के भी। भैया इसे वार्निंग समझो और निकल लो यहाँ से। सु, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, इसे खोल के देखोगे ना तो तुम खुशी से नाचने लगोगी। वो भी कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन नहीं भैया, कौन कौन? फ्रेंच डांस है। फ्रेंच कौन कौन? ला 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 ला। वाओ थैंक यू। वैसे ये है क्या? ज़ू, ये दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन है, फ्रेंच वाइन। पूरे 5,000 की है सिर्फ तुम्हारे लिए। फ्रेंच वाइन? यस। हमारे फ्रांस में कहावत है तोहफा दानिया वाले की नियाद देखी जाते हैं, तोहफे की बात नहीं। भैया बाबूजी मुहावरे सुनाने फ्रांस भी जाते हैं क्या? डॉट डॉट डॉट। ये मुहावरे तो बाबूजी यहाँ कई बार सुना चुके हैं। डॉट 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 डॉट। देश अलग अलग हो सकते हैं, उनके मुहावरे गीत कहानियाँ जनरली एक जैसे होता है, सिर्फ उन्हें बोलने लिखने का तरीका बदलता है। वैसे ही मेरे और आपके देश का कल्चर अलग अलग हो सकता है लेकिन संस्कार एक जैसे ही हो। अगर शराब पीना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है तो वाइन पीना तू के संस्कार नहीं है। मैं फ्रेंच जरूर हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतनी ही अच्छी शिक्षा दी है जिसे बाबूजी ने आपको दी है। आप अगर मुझे कुछ पिलाना चाहते थे तो गंगा का पवित्र जल ले आते, हिमालय के पर्वतों का शुद्ध पानी पिलाते, केरला के कोकोनट का मीठा पानी पिलाते या फिर कश्मीर के ताजे फलों का जूस पिलाते। कितना कुछ तो है तुम्हारे देश में। लेकिन सू ये गिफ्ट है सिर्फ तुम्हारे लिए और वो भी तुम्हारे अपने देश से। यस। शराब फ्रेंच हो या देसी, शराब शराब होती है। बिल्कुल सही कहा। अब इससे पहले बाबूजी देखें इसे उठा के बाहर फेंक दीजिए प्लीज। भैया मैंने आपको कहा था ना, मेरा मन कह रहा है कि। अबे तेरे मन से बोलना कि एडवांस में बोला करे। खामखा 500 रुपए का लॉस हो गया। हाय कोयल दी। हाय मयूरी दी। हाय सू दी।
എന്താണല്ലോ ഇത്രയും മിണ്ടാണ്ട് നിക്കുന്നത്? എന്തായി? സൈലന്റ് മോഡ് അറിയില്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച ദിവാലി അല്ലേ? ഇത്രേ കുറെ കാര്യം ചെയ്യണ്ട ദിവാലിന്റെ ദിവസം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കോപ്പി എപ്പോഴാ വരുന്നേ? When, when, when? गधे की मम्मी ने कपी और गधे को अपने पास ही रख लिया होगा. शायद दिवाली तक आ जाएंगे. सू, तुम्हें दिवाली के बारे में पता है? दिवाली क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व. Yes, सू, right. तुम दिवाली में यहाँ रहोगी ना? नहीं, दिवाली मैं दिलदार भैया के साथ पंजाब में उनके घर वालों के साथ मना रही हूँ. ये सुनकर मयूरी बहुत दुखी हो गई. मेंढक, पानी पिलाओगे प्लीज? नहीं मेंढक, तू मत जा. मयूरी, तुम पानी लाओ. दीदी, बहुत दिन हो गए मेंढक ने किसी को पानी नहीं पिलाया. मेंढक को पानी लाने दो ना दीदी. तू पानी भी पी लेगी और हमारा मूड भी ठीक हो जाएगा. मेंढक, जाओ पानी लेकर आओ. जाओ. मोस्ट वेलकम. पप्पी भाई साहब, कहाँ हैं आप? पप्पी भाई साहब, अरे एक बात बताओ, पप्पी भाई साहब कहाँ हैं? ये 10 साड़ियाँ प्रेस करने में कितना टाइम लगता है? फॉर चेंज, पप्पी भाई साहब यहाँ पे नहीं है. वो प्रेस कराने के लिए प्रेस वाले के पास ही गए होंगे. तू दीदी, पानी. अरे मैंने पीने का पानी मांगा था. What is this? तो इसका क्या करे? Franchement, t'abuses là. Tu me saoules. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette eau? वो तो हम समझ गए दीदी, पर इसका क्या करे? Qu'est-ce que tu veux en faire avec cette eau? Ben c'est bon, verse-la moi sur la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais laisse le pédale de. Oh, उसका problème क्या है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.